हेलो एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू सैनी एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्लास 9। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। हमें बताना है, हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बताना है कि क्या वो सही है या गलत है, और अगर सही है तो भी उसका रीजन बताओ और गलत है तो भी उसका रीजन बताओ। फर्स्ट है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? अब देखो नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर हमारे वन से स्टार्ट होते हैं, वन से हमारे जितने भी नंबर्स आते हैं वन के बाद वो सारे इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमें पता है नंबर एंडलेस होते हैं, तो जितने भी जीरो के बाद नंबर आते हैं सारे होल नंबर होते हैं। हमें बोला क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता? अब देखो नेचुरल नंबर वन टू इन्फिनिटी है और होल नंबर में भी वन टू इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? यस, सो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारी सही है, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स contains all natural numbers including zero, कि साथ जितने भी whole number होते हैं उनमें सभी natural number आते हैं और zero भी आता है। इसी के साथ हमारा first part complete होता है। सेकेंड पार्ट है हमारा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव भी हो, जीरो भी हो और पॉजिटिव भी हो। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो होल नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स हमारे नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो क्या इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? देखो इंटीजर में नेगेटिव नंबर आ रहा है बट होल नंबर में तो कोई नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा फॉल्स। और रीजन क्या होगा? बिकॉज इन इंटीजर देयर इज अ नेगेटिव नंबर और होल नंबर में हमारे कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम फॉल्स, होल नंबर कंटेन्स ओनली पॉजिटिव numbers while integers have positive numbers, negative numbers एंड जीरो और जीरो। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे देंगे अब हम, माइनस फोर इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। सो हमने लिख दिया कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो नंबर भी होते हैं लेकिन होल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, जैसे कि माइनस फोर। माइनस फोर को हम इंटीजर तो बोल सकते हैं बट होल नंबर नहीं बोल सकते क्योंकि माइनस फोर में माइनस है और माइनस होल नंबर नहीं होता है। सो सेकंड पार्ट के बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर हमें पता है वो नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो जिसमें क्यू जीरो ना हो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। होल नंबर वो सभी नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं उनको हम होल नंबर बोलते हैं। तो क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अब देखो रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, होल नंबर को भी लिख सकते हैं बट सारे फ्रैक्शन को तो हम होल नंबर नहीं बोल सकते। सो इसका आंसर होगा फॉल्स। रेशनल नंबर्स
बी फ्रैक्शनल की रेशन नंबर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, बट होल नंबर्स मे नॉट बी फ्रैक्शनल. हम सभी होल नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. एग्जाम्पल 3/4 ये एक रेशन नंबर है बट ये एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर इसको होल नंबर नॉर्मल फॉर्म में लेकर आए नॉन फ्रैक्शन फॉर्म में तो ये पॉइंट फॉर्म में आ जाएगा, सो वो होल नंबर नहीं होगा. और जैसे माइनस नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव कभी भी होल नंबर नहीं होता, लेकिन ये रेशनल नंबर है. आर रेशनल नंबर्स बट नॉट होल नंबर्स. ठीक है, तो हमारे सभी रेशनल नंबर को हम होल नंबर नहीं बोल सकते. हाँ कुछ होते हैं बट सभी को नहीं बोल सकते. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 1.2. तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग.